जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया रूल्स बना रही है, नोटिफाई रूल्स कर दिए गए हैं, कवायद बनाए गए हैं, और ये आसान लफ्ज़ों में कह लीजिएगा कि एक कानून होगा। कानून किसके लिए? कि कम उम्र में जो बच्चियों की शादियां कर दी जाती हैं उसको रोकने के लिए। कानूनी तौर पर ये जुर्म माना जाता है कि जो लीगल एज है उससे कम आप, जो कानून के माहिरीन हैं उससे कम उम्र में, या अगर कोई बच्ची बालिग नहीं है तो उससे पहले उसकी शादी कर दी जाती है, कानूनन जो जुर्म है, और जो कवानीन हमारे सेंट्रल एक्ट भी है उसके मुताबिक भी। पिछले साल दिसंबर 2021 का, जहाँ तक हमें याद है, सरकार ने एक कानून लाया था, बल्कि पिछला जो कानून हमारे पास था जिसको कहा जाता है कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, उसमें अमेंडमेंट की गई, संशोधन हुआ 2021 में, पार्लियामेंट के सेशन में पेश किया गया और अमेंडमेंट कर दी गई, उसमें तरमीम की गई पुराने कानून में, कि जो पहले बच्चियों की उम्र 18 साल होती थी, बच्चे की या लड़के की उम्र 21 साल, तो शादी आप लीगली जो प्रोसेस है वो हो सकता था, शादी आप कर सकते थे। उसके बाद ये जो कानून आया साल 2021 में, उसने पूरे मुल्क के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी लाई कि अब लड़के की उम्र 21 साल है तो लड़की की भी 21 साल होनी चाहिए बराबरी। स्मृति ईरानी की वजारत की तरफ से भी इसमें रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी गई थी और ये कानून बना। तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के नोटिस में ये चीज़ें आई, हालांकि कुछ रिपोर्ट्स को नकारा भी गया वक्तन फ़वक्तन। ये डिटेल सरकार के पास पहुंची कि बच्चियों की शादियां बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो रही हैं, लेकिन कम उम्र में हो रही हैं, जो कानूनन जुर्म है, और ये तादाद बढ़ रही है। अब क्या कर दिया गया है कि बच्चियों की शादियाँ कम उम्र में नहीं हो पाएंगी, सज़ा भी होगी, अफसरान को जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं, और अगर आप जानकारी इंतज़ामिया को देखते हैं, अफसरान तक जानकारी पहुंचाते हैं, तो आपको अवार्ड भी दिया जाएगा, अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा। क्या है? एक तो ये कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो एक्ट था उसके हवाले से जो रूल्स थे वो ड्राफ्ट कर दिए गए हैं। CPMOs इसको कहा जाता है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, जिनको नए अफसरान को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इस तरह के इकदाम को रोकने के लिए। कम उम्र में शादियाँ अगर, या जो माइनर्स की हैं, नाबालिग बच्चियों की शादियाँ होती हैं, वो एक परेशानी थी, तो चाइल्ड मैरिज को या बच्चियों की, या बच्चों की शादियां रोकने के लिए, जो कि कानून के मुताबिक उनकी उम्र नहीं होती, उसको रोकने के लिए कदम उठाया गया है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसकी एक कॉपी हमारे पास है, वो बताती है कि इस कानून को, इन रूल्स को, जम्मू कश्मीर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रूल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा, और द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो सेंटर का एक्ट है, सेंटर एक्ट 6 2007 का, उसके मुताबिक ये रूल्स जो हैं वो वाज़े कर दिए गए हैं, और इसमें जो पुराने रूल्स थे उनको भी मद्देनज़र रखा गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बहुत सारे अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है, और सब सेक्शन 1 जो है कानून की, और सेक्शन 19 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की, उसके रूल्स के मुताबिक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स यानी जो CPMOs होंगे, उनको ये जिम्मेदारी होगी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चों की शादियाँ या कम उम्र में बच्चियों की या बच्चों की शादियाँ रोकने के लिए कदम उठाएंगे। प्रोहिबिशन ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे? चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जिसको CEO कहा जाता है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जिसको ZEO कहा जाता है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जिसको BMO कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी BDO जिसको कहा जाता है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं उनको जिम्मेदारियां होंगी। ये नए अफसरान हैं जो, जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपने माइनर्स की या नाबालिग बच्चों की या बच्चियों की शादियां रोकने के लिए कदम उठाना, इनको जिम्मेदारी दी गई है। अफसरान को कहा गया है कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स जो हैं वो सेक्शन 16 की शिक 1 का सहारा लेकर अपने अपने दायरा अख्तियार में, जहां जहां उनकी ड्यूटीज होंगी, जहां जिम्मेदारियां होंगी, वहां पर वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के अहल होंगे, उनके पास इख्तियारात हैं, तो सरकार ने उनको ऑर्डर्स दिए हैं। दूसरा, प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है उसको कहा गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों की शादियों के हवाले से मिले कि कहीं पर गैरकानूनी तरीके से बच्चों की शादी हो रही है और कम उम्र में हो रही है, जो कानून के मुताबिक सही नहीं है, चाहे आप रिटर्न में आपको जानकारी मिले या फ़ोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, फौरी तौर पर आप सीधे तौर पर उस इलाके में जाएंगे, ऑफिशियल्स जो हैं वो डेटा निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जो कंसर्न्ड होंगे यानी DM या DCs भी इनको कहा जाता है, या डायरेक्टरेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, उनके सामने स्टैट जो है उनके साथ मिलकर तैयार करेंगे, अदादोशुमार निकालेंगे। अफसरान को क्या किया गया है कि वो फाइल जो अपनी अर्जी है, दरख्वास्त है, वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी
अदालत तक बात जाएगी, मुश्किलें आपके लिए बढ़ेंगी कि अगर आपको आपके एरियाज में इस तरीके से हो रहा है, और अगर पता है तो फिर जानकारी इंतजामी को दीजिएगा, आपको अवार्ड भी मिलेगा। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो जजेस होते हैं और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनके नोटिस में ये अफसरान जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, सीईओ, ZDO, BDO, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, ये जो मैंने बताए, ये लिखित में है। ये इन्फॉर्मेशन जो है चाइल्ड मैरिज के हवाले से, बच्चों की शादियों के हवाले से किसको देंगे? जज को। अदालत में बात जाएगी और अपनी पिटीशन या जो दरख्वास्त है वो भी फाइल कर सकते हैं चाइल्ड मैरिज के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिला अदालत जिसको कहा जाता है। अगर कहीं पर भी कोई पार्टी बच्चों की शादियां करा रही है या जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके नाम जो है वो तहरीरी तौर पर जाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि पिटीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने दी जाएगी, और जो बच्ची वाली पार्टी होगी यानी जो लड़की वाले साइड वाले होंगे उनको क्या करना है कि उनकी तरफ से भी इसमें, चूंकि जवाब दहिंदगान की जब बात होगी तो दोनों तरफ से वर्जन लिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कस्टडी तक बात पहुंचेगी, और इस तरह की शादियों से बचने के लिए सजाएं उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं शुरुआत में कह रहा था कि अगर आपको पता है तो फिर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि परेशानी फिर आपके लिए भी बढ़ेगी। कोई भी शख्स इस तरह का जो चाइल्ड मैरिज में इस तरह के केस में फंसा या पता चला, वो चाइल्ड मैरिज अगर किसी को दूसरे को साथ वाले को पता है तो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी CMPOs को वो जानकारी दे सकते हैं। और सरकार ने तमाम जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तंजीमें हैं, सरकार की बॉडीज़ हैं या बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं, 15 दिनों के अंदर इस पर आपके राय भी मांगी गई है। आप अपने मशवरे दे सकते हैं सरकार को कि ये कानून सही है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 15 दिनों के अंदर socialwelfare.cis इस पर मेल भी कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर स्टेक होल्डर आप अपना कीमती मशवरा है सरकार को दे सकते हैं। अक्टूबर के महीने में मुख्तलिफ अखबारात जम्मू कश्मीर के अंदर छपते हैं, उनमें डिटेल्स आई थी कि अंडर एज बच्चियाँ जिनकी उम्र कानूनन शादी के लिए वो तैयार नहीं हैं या उम्रें नहीं हैं, तो ये उन बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनकी शादियां कम उम्र में हो रही हैं। 18 साल से कम उम्र जिनकी, जिन बच्चियों की उम्र है, तकरीबन 0.9% के आसपास तादाद बढ़ गई है 2012 में जो थी, 2020 तक आते आते ये तादाद बढ़ी है। ये रिपोर्ट्स मुख्तलिफ अखबारों में आई थी, इनमें कश्मीर ऑब्जर्वर नाम से भी एक पेपर था जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उसको एक और इख्तियार दिया गया है कि वो एज पुलिस ऑफिसर भी डील कर सकता है सेक्शन 156, 160, 161, 165, 175 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये कार्रवाई करेगा। इख्तियारात होंगे यानी जो पुलिस को काम करती है वो ये चाइल्ड मैरिज एक्शन, ये कानून के मुताबिक आपको सजा का भी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जब बात पहुंचेगी तो अपने हिसाब से कानून के मुताबिक ये उसमें चीज़ें मेंशन कर सकता है। लेकिन अपने एरिया के अंदर मान लीजिए जम्मू का कोई ऑफिसर है तो वो कश्मीर की बात नहीं कर पाएगा, श्रीनगर वाला है वो बांडीपुरा की नहीं, अपने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में जो अफसरान है वो ये काम करेंगे। और एक्ट के मुताबिक जिस हिसाब का मुलजिम पर इल्ज़ाम होगा उस हिसाब से अगर उसको मुजरिम ठहराना है तो कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि पंचायतों के अंदर एक कमेटी बनाई जाए जो चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन अफसरान के साथ राबते में रहेंगे। अगर इस तरीके की पंचायत के अंदर गांव में कहीं पर भी ब्लॉक लेवल पर कोई शादी होती है तो वो कमेटियों के जिम्मेदारान इस तरह के इकदाम से बचने के लिए, इस तरह के जो गैरकानूनी अमल है उससे बचने के लिए अफसर को जिम्मेदारी देगी, जिस अफसर को जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कमेटी भी पंचायत लेवल पर बनेगी। मकामी सतह पर जो मजहबी पेशवा हैं किसी भी मजहब से उनको कहा गया है कि लोगों को अवेयर करें, और अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया है कि कहीं पर बच्चों या बच्चियों की शादियां कम उम्र में कराई जा रही हैं, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, इसके प्रोहिबिशन के लिए जो अफसर जिसको जिम्मेदारी दी गई है उस आपके इलाके के अंदर, उसको आप बताएंगे, अपने एरिया की जानकारी देंगे ताकि फौरी तौर पर इस तरह के कदम से बचा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिसका इकदाम होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप जानकारी देते हैं, आप बताते हैं कि काम गलत हो रहा है रोकने के बावजूद भी नहीं हुआ, तो आपको अवार्ड मिलेगा और आपकी जो शनाख्त है वो छुपा कर रखी जाएगी, इंतजामिया इस चीज़ को सामने नहीं लाएगी क्योंकि सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का भी इशू होता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या करना है कि जो लोग इस तरह की शादियों के बारे में जानकारी देंगे, इंतजामिया को बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, शिकायत करेंगे, मशवरा तो मांगा है 15 दिनों के अंदर, वो अलग बात है कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं और जो सरकार ने किया क्या वो सही है वो नहीं, जो इसमें स्टेक होल्डर बनना चाहता बने, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन जो शिकायत करेगा, आपके नॉलेज में है कि आपके एरिया में किसी बच्चे या बच्ची की ज़बरदस्ती शादी हो रही है, उम्र कम है, कानून के मुताबिक 18 साल का वो
या 21 साल का नहीं है। तो अगर आप शिकायत करते हैं तो ना सिर्फ आपको अवार्ड दिया जाएगा बल्कि कौमी सतह के जो प्रोग्राम है, नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि जिन प्रोग्रामों की नेशनल इम्पोर्टेंस है, कौमी सतह पर अहमियत के हामिल है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या दिवाली के मौके पर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, ईद के मौके पर कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पर आपको अवार्ड से नवाजा जाएगा, आपको वहाँ पर भी अवार्ड दिया जाएगा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को कहा गया है। कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शीतल नंदा की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट जो अखबारात में आई थी कि चाइल्ड मैरिज या बच्चों की शादियाँ जो हैं कम उम्र में बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने कहा कि यूटी में हाई नहीं है, हैं ज़रूर शिकायतें लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी बताई जा रही है, लेकिन जो डेटा है जम्मू कश्मीर का बाकी स्टेट्स के मुकाबले शीतल नंदा के मुताबिक वो कम है। और बाकी डिटेल्स जो हैं कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं, कहां पर कैसे शादियां हो रही हैं, ये वेबसाइट पर पूरा डेटा अवेलेबल है। स्टेक होल्डर्स को भी शीतल नंदा ने भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी सजेशंस दीजिए, मशवरा दीजिएगा। और इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिसाब से इन कवानीन के मुताबिक शादियों से कम उम्र में शादियाँ ना हों, बच्चियों की जिंदगियाँ तबाह ना हो, बच्चों की जिंदगियाँ तबाह ना हो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे। तो जिन अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है, CPMOs जिनको कहा जाएगा, इनमें कौन कौन होंगे फिर से बता दूं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जोनल एजुकेशन ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, BMO जिसको कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन तमाम लोगों को आप शिकायत कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता फिर मामलात क्या है, आपको पता है कम उम्र में शादियां, फिर फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, फिर छोटी उम्र में बच्चियाँ जो हैं वो वालिदैन से अलग तो होती हैं दूसरे घर में जाकर, लेकिन ससुराल में जब वो जाती हैं तो वहाँ पर भी अलग से घर बसाना, वो सारी परेशानियाँ और तरह तरह के जहन में सवाल, ना अपना फ्यूचर, ना अपने बच्चों का फ्यूचर, ना खुद का एज ए वाइफ बच्ची, और एज ए हस्बैंड जो लड़का है वो भी काम कर पाता है, तो फिर फाइनेंशियल बर्डन से होते होते बातें अदालत तक पहुंचती है, फिर कोर्ट के चक्कर लगाना, फिर वहाँ मुश्किलात बढ़ती हैं, और इन सब के बीच में जहनी दबाव का शिकार होने वाले लोग कई मरतबा अपनी ज़िंदगी ख़त्म भी कर देते हैं। तो ज़िंदगी ख़त्म ना हो, ज़िंदगियों को बचाया जाए, ज़िंदगियाँ बचाई जाएँ, बच्चियों को बचाया जाए, इसके लिए एक बड़ा कदम है, और ये कानून जो है वो वाज़े कर दिए गए हैं। तो 15 दिनों के अंदर अपना मशवरा भी इंतज़ामी को दीजिएगा, जो CPMOs हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन मैरिज ऑफिसर्स जो हैं, उनके ज़रिए अपना मशवरा, अपनी कीमती बातें हैं सरकार को पहुँचाइएगा कि क्या आप और कर सकते हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी, उस पर गौर किया जाएगा। साथ ही अगर आप शिकायत करते हैं, आपके नोटिस में इस तरह की चीज़ें हैं, ताकि कोई और किसी की गलती का नतीजा, किसी और की ज़िंदगी का परेशानी का सबब ना बने, कोई और ना भुगते, इस तरह के कदम अगर कहीं उठाए जाते हैं तो इंतज़ामिया को जानकारी दीजिएगा। नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्रोग्राम हैं उसमें भी आपको जानकारी, वहाँ पर भी अवार्ड मिलेगा, इंतज़ामिया दूसरे मकाम पर देगी। तो कम उम्र में बच्चों और बच्चियों की शादियाँ जिन इलाकों के अंदर होती हैं, अपना जो अपने लेवल पर आप मज़हबी एतबार से, समाजी एतबार से एक ज़िम्मेदार शहरी होने के, एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते जो आप कह सकते हैं, कर सकते हैं, जो मशवरा दे सकते हैं, ताकि सारी ज़िंदगियाँ अच्छे से चले, निज़ाम ज़िंदगी बेहतर चले, किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, तो वो भी अपने लेवल पर आप मशवरा वालिदैन को दें, लोगों के, और डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम ये ज़रूरी है ताकि लोग जुड़ सकें। और आपको कोई और शिकायत है, कोई बात हमारे नोटिस में लानी है, कोई हम सब हमारे सामने रखनी है, तो वो बात भी आप कॉमेंट्स बॉक्स में हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।